हाय गाइस, हाउ आर यू? टुडे इज ब्रेकिंग न्यूज टाइम। शाहरुख दोबारा से मैदान में आ चुके हैं और उन्होंने फिर दोबारा से सितारा के पर अटैक किया है और उन्होंने बताया है जो कुछ भी ये करवा रही है वो सितारा करवा रही है। और आगे अब जब इनकी वीडियो में आप देखेंगे, इनकी बातें सुनेंगे, तो इन्होंने पीछे लिखकर सितारा का नाम भी दिखाया है। इन्होंने अपने मुंह से नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा सब की जिम्मेदार कौन, लिखा फौरन आ गया सितारा। तो जी शाहरुख खान, आप तो जी शाहरुख खान क्या शाहरुख खान तो फिल्मों वाला, आपको क्या कहना है? लेकिन यह है कि आपको थोड़ी सी वफादारी निभानी चाहिए थी सितारा के साथ। सितारा ने आपको और आपकी बीवी को कहां से कहां पहुंचाया, लेकिन आप लोग सब कुछ भूल गए। अब आप शिकायत कर रहे हैं कि लोग हमारे पे वीडियो बना रहे हैं। मैं वेट कर रहा था कोई आएगा खानदान वाला, तो कोई आया नहीं, तो इसलिए अब हमें किसी की जरूरत नहीं, हम लोग खुद वीडियो बनाएंगे, खुद जवाब देंगे। तो बहुत अच्छी बात है, वेल डन कि आप खुद वीडियो बनाएंगे, खुद जवाब देंगे। लेकिन बहुत बुरी बात है, आपको सितारा का साथ देना चाहिए जैसे आप लोग पहले देते थे। उस बेचारी का यूज किया, इस्तेमाल किया और अब उसको जो है यूज करके फेंक दिया, जो बहुत गलत बात है। मैंने बोला हम कब गए, तो वो कह रहे हैं कि हमने किसी की वीडियो देखी, तो वो कह रहे हैं कि नैना और शाहरुख गए थे क्राउन होटल और उन्होंने वहां पे फिर 300 का खाना मंगवाया। फिर उसके बाद उन्होंने चाय पी और पता नहीं 2 दिन की रिजर्वेशन करवाई थी 17 से 19 तक की और पता नहीं। और ये भी बोला कि शाहरुख रात को 2 बजे गया था छोड़ने। शाहरुख ने खुद बोला कि वो 2 बजे गए थे रात को छोड़ने। तो मैं सुबह से कल रात से मतलब मैं कल रात से सुबह तक अभी तक मतलब शाम हो गई, मैं मतलब वेट कर रहा था कि हमारी फैमिली से कोई आएगा और नैना के सपोर्ट में वीडियो बनाएगा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, नैना ऐसे नहीं जाती है। अगर जाती भी तो अपने हस्बैंड के साथ गई थी, किसी और के साथ नहीं गई थी। तो किसी ने भी यहाँ पे आके मतलब कुछ नहीं किया। तो मैंने बोला चलो हमें किसी की जरूरत भी नहीं है कि कोई हमें यहाँ पे आके क्लियर करे, ना हमें जरूरत है क्योंकि हम लोग अकेले ही अपने आप को क्लियर कर सकते हैं। और मुझे किसी टीम की जरूरत नहीं है कि मुझे सारी टीम आएगी और मेरे मुझे आके यहाँ पे क्लियर करेगी। तो सबसे पहले नैना ने मुझसे कहा कि मतलब कुछ भी करो लेकिन तमीज के दायरे में रह के करना। तो इतना बड़ा जो झूठ बोला गया है तो इस पे तो मुझे गुस्सा भी बहुत है, लेकिन मैं क्लियर तो मुझे ऐसी गणमान की जबान में बात नहीं कर सकता जिस तरह से वो जिस जबान में बात करते हैं। और रही बात के उनसे ये किसने करवाया है वो तो आप सब जानते हैं, वो किसके सपोर्टर हैं ये भी आप सब जानते हैं और कौन उसको ये करवा रहा है। तो मैं उनसे वो रात को 2 बजे गए थे छोड़ने, फर्स्ट झूठ ये है। तो इसको मैं क्लियर कर दूं कि मैं रात को 2 बजे मैंने बोला ही नहीं। आप सबको मैं कह रहा हूँ, आप जाके मेरी वीडियो चेक कर लो, कहीं पर भी मैंने बोला कि मैं रात को 2 बजे छोड़ने गया था, कहीं पर भी। तो ये मुझे झूठा साबित करने की आप लोग कोशिश मत करो, मैं नहीं होऊंगा झूठा साबित, आप जितनी भी कोशिश कर लो। और सेकंड बात के इन्होंने 17 तारीख की रिजर्वेशन थी और 17 तारीख से 19 तारीख तक ये लोग वहां पर थे। तो 17 तारीख को नैना को बहुत ज्यादा तेज बुखार था और मैं आपको उसकी वीडियो शेयर करने लगा हूँ, ये देख लें। हंगा भी आया उसको लेने के लिए, नैना के मियारी एक हफ्ते देने। बाबा आ जाओ यार, हमारी बच्ची को देखो, इसको लेके जाते हैं, इसका दम वम कराते हैं, यहाँ पर ले आए हैं और उन्होंने कहा कि इसको बुरी नजर है और अभी हम लेके आएंगे 3 अंडे, इसके ऊपर क्या करना है। ठीक है, तो आपको 17 तारीख की वीडियो देख गई और 17 तारीख में आपको पता चल गया होगा नैना कहाँ पर थी और कहाँ नहीं थी। और अभी मैं इसके बाद आपको 18 की भी मैंने शेयर कर देता हूँ ताकि और आपको यकीन हो जाए, क्योंकि जो जो सबूत लेके आते आप फिर बोलते नहीं ऐसा ही है ऐसा ही है। तो अभी मैं आपको सेकंड ये 18 की मैं आपको वीडियो शेयर करता हूँ। नैना के साथ सो जाओ एक ही कंबल में दोनों, ताकि क्या तुम्हें बुखार आ जाए। नहीं नहीं कोई नहीं आता। क्या हंस के दिखा? नहीं नैना, तेरे डार्क सर्कल्स कितने हो गए, अपना ख्याल रख यार। सही आई है नैना, कैसा लगा? तो 17 और 18 को नैना को तेज बुखार था और घर पर थी, तो आपने जाके पूरी वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं। और रही बात के आपका ये जो आपने झूठ बोला है ये यहाँ पर हो गया है क्लियर। तो मेरी बात वही है कि जी हाँ मैं गया था सब्सक्राइबर से मिलवाने के लिए,
और आपको पता चल गया होगा कि नैना और मैं नहीं गए थे। और बात जो सेकंड बात यह कि हमने चाय ऑर्डर की, तो सारे सबको पता है, आप चाहे अनुषा के वीडियोस में देख ले, चाहे किसी की भी वीडियोस में आप जाके देखो, हमारे फैमिली की तो किसी ने भी किसी भी जगह किसी ने भी हमसे पूछा आप चाय, कभी भी हम लोग चाय नहीं पीते, मैं और नैना कभी भी चाय नहीं पीते, ये सबको पता है ये बात। और हमने चाय ऑर्डर की वहां पर, और मजे की बात मैंने वहां पर स्टिंग भी ऑर्डर नहीं की। स्टिंग तो मैं लाजमी पीता हूँ कहीं पर जाऊं, तो उन्होंने मेरी स्टिंग का ऑर्डर नहीं बताया। आपके तीनों के तीनों जो आपने डिटेल्स आप लेकर आए थे वो सब यहाँ पे झूठी साबित हो गई हैं। और रही बात आखिरी बात ये थी कि वो जो आप स्लिप लेके आए थे, स्लिप में लिखा हुआ है शाहरुख अजमल, ऊपर लिखा हुआ होटल ग्राउंड इन। तो मैं आपसे बेटा ये बात कर दूं कि आप जिससे ट्यूशन ले रहे हो इस चीज का, मैं वहां का हेडमास्टर हूं, अगर आप बोलो तो मैं सबके नाम की ऐसी स्लिप लेके आके यहाँ पे दिखा सकता हूँ, आपके नाम की भी लेके आ सकता हूँ, जिन्होंने आपको बोला उसके नाम की भी लेके आ सकता हूँ, लेकिन वो लाने का कोई फायदा नहीं क्योंकि वो झूठे प्रूफ्स होते हैं। तो आप बेटा ऐसी बातें मत किया करो यहाँ पर आके, झूठा साबित नहीं कर पाओगे क्योंकि आप दूसरों को कर करके आपकी आदत बनी हुई।